व्हाट इज अप एवरीवन, मैं हूं खुर्शीद और वेलकम टू चैनल भुक्का नवाब। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैदराबाद का बेस्ट वेज चीज पिज्जा कहाँ मिलता है, मस्कती पे मिलता है। चलिए अपना दबा के खींचने का सेशन शुरू करते हैं। तो भाई मैं आपको यहाँ पे लाया सिर्फ एक वजह से, चीज पिज्जा खिलाने। लेकिन उससे पहले, वो मेन आइटम है, उससे पहले अपन कुछ दूसरी चीज खिलाएंगे जो एक मेरे हिसाब से हिडन जेम है हैदराबाद का, दही पूरी। दही पूरी या मस्कती पे इतनी जबरदस्त मिली मेरे को कि बाहर में इतनी जबरदस्त तो नहीं मिली कहीं को। अब वो मैं खा के बताता हूँ आपको। तो मेरे हिसाब से दही पूरी जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट परफेक्टली मेड डिशेस है। हर टाइप का टेक्सचर, हर टाइप का फ्लेवर है। कैसा? पूरी और सेफ दोनों मिलके क्रिस्पी देते। मिठास के लिए मीठी चटनी, खटास के लिए खट्टी चटनी रहती, दही के लिए क्रीमीनेस रहती, और उसके अंदर जो चने रहते हैं ना बटाने, उसके साथ स्पाइसीनेस आती। तो जब भी आप खाते तो मुंह में एक जबरदस्त बर्स्ट होता, एक क्लाउड ऑफ फ्लेवर्स बर्स्ट होता। इतना जबरदस्त मिठास, खटास, क्रीमीनेस, क्रिस्पीनेस, स्पाइसीनेस, हर चीज, कौन सी नेस वर्स, हर चीज की नेस डाल देते उसमें। एक और खाता हूं मैं, उसके बाद दूसरा आइटम पे चलेंगे अपन। एक और रीजन क्या है मस्कती की दही पूरी बताने का, कि इसके अंदर की जो फीलिंग रहती दही की, इतनी ज्यादा रहती कि ये खाए तो दिखता दही पूरी खा रहे हो। बाहर मैं बहुत जगह खाया, मेरी दही पूरी एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिशेस है। जब भी कोई क्रेविंग आती ना, बंडियों पे दही पूरी खा लेते हैं फिर तो। इतना जबरदस्त दही, इतना क्रीमी दही, ठंडा दही और इतना ज्यादा दही आज तक मैं बाहर खाया ये प्राइसिंग में, 60 रुपीस की प्राइसिंग में मेरे को मिला है। इसलिए मेरे को दही पूरी यहाँ पे हिडन जेम है। बोलते नहीं, शहद का कुआं मिल गया वैसा है। दूसरा आइटम आ गया गार्लिक ब्रेड। सबसे सिंपल स्टार्टर्स में से आता है गार्लिक ब्रेड। ब्रेड गार्लिक, उसके ऊपर चीज, चीज गार्लिक ब्रेड। क्वालिटी ऑफ चीज कितना डिफरेंट कर देता है एक आइटम को, अब समझ में आ रहा हूँ। बेहतरीन, कौन निवाला खाना है। इतनी सिंपल चीज को इतना जबरदस्त बना दिया, वाकई जबरदस्त। अब नेक्स्ट आइटम जो कि मेन आइटम है उस पर चलेंगे। असली आइटम आ रहा है, यकीन हो रहा है। हाय हाय तो देखो भाई, हैदराबाद का बेस्ट वेज चीज पिज्जा ये है। ये खिलाने लाया मैं आपको मस्कती में। मैं खा के बोलता हूँ आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। जबरदस्त है, बेहतरीन है, क्या मालूम ना आपको। पहले तो बेस्ट बोलीज दिया अपन। तो देखो भाई, एक पिज्जा रहता क्या, जेन्युइनली अगर आप सोचे तो एक ब्रेड का लुंडा रहता, उसके ऊपर सॉस डालते, चीज डालते, टॉपिंग्स डालते और देते। क्या बनाता आपके हिसाब से एक अच्छे पिज्जा को, क्या बनाता? टॉपिंग्स बनाते। मेरे हिसाब से कोई भी बना ले सकते टॉपिंग्स, आधे से ज्यादा तो घास फूस रहती, कोई भी बना ले सकते। सॉस और चीज, और ये चीज को देख के मेरे को एक कहावत आई, वो चीज भी क्या चीज जिसमें चीज ना हो, वो चीज भी क्या चीज जिसमें चीज ना हो, बेकार चीज को भी लाजवाब बना दे जिसमें ऐसा शानदार चीज हो। मेरे लिए हैदराबाद का सबसे बेस्ट वेज चीज पिज्जा है। मैं और खाऊंगा, खा के मजे लूंगा। वाह बेहतरीन भाई। तो हर चीज को खाने के लिए कुछ तरीके रहते हैं। पहला, बिना कोई एडिशंस के, बिना कोई सॉसेस, मसाले या एक्स्ट्रा चीज़ें डालने के, जैसा आपको शेफ बना के दिया, जो ओरिजिनल रेसिपी रहती है वैसा खाना, जैसा मैं शुरू में खाया। अब बिरयानी है, बिरयानी मैं कैसा खाता हूँ, तीन टाइप से खाता हूँ। एक, जैसा बावर्ची बनाया। दूसरा, दही की चटनी मिला लेगा। तीसरा, मिर्चों का सारा में कई को, क्योंकि हर फ्लेवर की बात ही कुछ और रही थी। वैसे ये हर चीज़ डाले ना तो आखिरी ज़बरदस्त दिखता। अब मैं वो खा के बताता हूँ आपको। पहले निवाले में गया चिली फ्लेक्स, थोड़ा स्पाइसी एक्स्ट्रा जिसको भी होना उन्हें चिली फ्लेक्स डाल लिया। दूसरा, जिसको थोड़ा सॉस ज़्यादा पसंद है उन्हें ऊपर से सॉस डाल के खा लिया।
हर फ्लेवर की बात ही चल रही थी। फाइनली ओरेगानो, ओरेगानो क्या है, एक एक्स्ट्रा पंच देता अपने फ्लेवर को। आप ओरेगानो की सीजनिंग डाल के जब खाएंगे ना तो ऐसा दिखेंगे आपको, यहाँ भलाल देव यहाँ पे बाहुबली दोनों ऐसा लड़ ले रहे आपके जबड़े में। खा के बोलता हूँ आप, भाई इसको बोलते हैं खाना, वाह मजा आ गया। सही है, ये कंप्लीट करता हूँ, वो ज़्यादा है लेकिन मजे का इतना है कि पूरा खा लेता हूँ, खा के आपके पास आता हूँ। तो भाई मैं आपको यहाँ पे खिलाने लाया चीज़ पिज्ज़ा, अपन खाए चीज़ पिज्ज़ा, अपन गार्लिक ब्रेड खाए, दही पूरी भी खाए, हर जगह पे कुछ एक ऐसा हिडन आइटम रहता है जिसको आप अगर खा लिए ना तो आप बोलते कि भाई वाओ जबरदस्त बेहतरीन लाजवाब लजीज है। पानी नहीं यारो, मस्खती की वेनिला आइसक्रीम, प्लेन वनीला आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ मैं। बर्गर ढूंढे तो जूसी बर्गर होना बोलते हैं, वैसे वनीला आइसक्रीम होना बोले तो मस्खती की क्रीमी वनीला आइसक्रीम होना। फैक्ट 101, मस्खती की क्रीमी वनीला आइसक्रीम है। मैं खा के बोलता हूँ आपको कितना मजा, मेरे एक्सप्रेशन से देख के समझ में आता भाई। वेनिला है बोल के बोल ही नहीं सकते, प्लेन फ्लेवर्स रहते, लेकिन ये प्लेन फ्लेवर ही जितना जबरदस्त है वो कोई भी बोला होगा। सिंपलिसिटी में इच ब्यूटी। चलिए ये हो गया, तो ऐसी चीख मार चड्डी फाड़ दिल बोले बार बार खाना खाना है तो मस्खती आ जाना, क्योंकि मस्खती पे मिलता है हैदराबाद का सबसे बेस्ट चीज पिज्जा, यकीन नहीं हो रहा आगे देख लो। लेकिन अगर आप बोल रहे कि भाई फला फला दुकान पे जबरदस्त मिलता तो मेरे को भी बता दो कमेंट सेक्शन में, आप जैसा कमेंट करेंगे मैं वो देख के फौरी भाग के जाके देखूंगा, और वाक है तो वहां पे भी वीडियो बना दो। नहीं है तो बोलेंगे अरे पोटाऊंगू मालूम ही नहीं यार अच्छा खाना कैसा रहता बोल के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, वो लाइक देखे तो जरा दिल को क्या है मालूम खुशी होती, जरा कर दो भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खाओ पियो ऐश करो, टाटा बाय बाय।